खुद अपने यहाँ पर अपनी रेसिपी देके हम इसको बनवाते हैं जी। कोई भी सीक्रेट मसाले नहीं डाले हैं, ये वही हमारे कुछ है, हमने चिकन की कीमे वाली ग्रेवी में आपको मिक्स कर दिए। तवा चिकन वाले सरदार जी, जी हाँ दोस्तों, राउरकेला में जो नाम अभी बहुत चर्चित है और बहुत वायरल हो रहा है वो है तवा चिकन वाले सरदार जी का कार्ड। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं तवा चिकन वाले सरदार जी का जो कार्ड है वो मेरे पीछे लगा है। तो दोस्तों चलिए तवा चिकन वाले सरदार जी के पास चलते हैं और देखते हैं उनका मेकिंग कैसा है और जो हाइप है उसी हिसाब से इनका टेस्ट है कि नहीं। तो दोस्तों ये वीकली 3 अलग अलग जगह पर बैठते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, फिर आपको पता चलेगा आखिर में कि ये कहाँ पर और किस दिन बैठते हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं इनका मेकिंग और टेस्ट कैसा है। तो ये है तवा चिकन वाले सरदार जी, आप देख सकते हैं। तो पास चलते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। तो सरदार जी नमस्ते। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, तो आप बताइए आप कैसे हैं? एकदम मस्त, एकदम मस्त। तो बताइए आप ये तवा चिकन जो बना रहे हैं अभी, तो कॉन्सेप्ट कैसे आपके दिमाग में आया ये वाला? एक्चुअली मेरे बच्चे बहुत फूडी हैं जी। लॉकडाउन जब आया था तो घर में हम डेली एक ही चिकन की रेसिपी खा खा के बोर हो गए थे, तो हमने एक चिकन बनाया बच्चों के लिए, साथ में कुलचे थे, कुलचे को थोड़ा सा मसालेदार किया क्योंकि बच्चे जल्दी रोटी नहीं खाते हैं, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट हमारा चालू हो गया। अच्छा, तो बीच में राउरकेला में फेस्ट आया था, तो फेस्ट में हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी हमारे फूड स्टॉल लगाने के लिए, तो वहाँ पर मेरे बेटों ने मुझे फोर्स किया कि पापा आपने चिकन बहुत अच्छा बनाया था, तो वहाँ पर आप एक काउंटर लगाइए, देखते हैं कैसा राउरकेला को लगता है। तो ऑलमोस्ट राउरकेला में सबको पता होगा आपका बहुत पुराना एक रेस्टोरेंट है जो कि रेनू मेनू नाम से, डेफिनेटली, जहाँ पर प्योर वेजिटेरियन खाना मिलता है। यस, तो यहाँ पर थोड़ा अलग हो गया, जहाँ की प्योर नॉन वेज आपका पास है कि वेज भी अवेलेबल है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर हमारे पास वेज ऑप्शन भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हमने अपने यूनिट से टच में नहीं रखा है, इसके हमने सेपरेट किचन रखी है चिकन के लिए, जहाँ पर चिकन मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ मैं और मेरी वाइफ मिलके। और यहाँ पर वेज में पनीर है, तवा पनीर है जो ऑन ऑर्डर हम बना के देते हैं, मसाला राइस है, कुलचा है। और राउरकेला वालों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों का प्यार जो हमें मिला है ये अपकमिंग मंथ्स में जी, तो उसके लिए अभी हम ये छोटी कार्ट को, मतलब कि मिनी वर्जन बोल लीजिए इसको, हम गुड बाय बोल रहे हैं। हमारा बड़ा फूड ट्रक आ रहा है जिसमें वेज और नॉन वेज के ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। आइटम अभी क्या क्या है और प्राइसिंग कैसा क्या है बता दीजिए थोड़ा। प्राइसिंग हमने यहाँ पर बहुत नॉमिनल रखा है। ये तवा चिकन है, तवा पनीर है, तवा चिकन के साथ में हम दो कुलचा सर्व करते हैं, और मसाला राइस अगर आप बोलेंगे तो मसाला राइस भी ऑप्शनल है। प्राइसिंग सिर्फ 150 में चिकन आपको अराउंड 180-200 ग्राम से आएगा, और साथ में दो मसाला कुलचा मिलेंगे, और जिसका बोला जाए तो एक कंप्लीट मील फॉर वन पर्सन है। और जब आप खाएंगे आप खुद बताएंगे कि कैसा बना है, क्योंकि कोई भी सीक्रेट मसाले नहीं डाले हैं, ये वही मसाले हैं जो आप घर में यूज़ करते हैं, बस बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। सो गाइस आप चिकन का साइज भी देख सकते हैं कितना बड़ा साइज का चिकन है। तो चलिए अभी मेकिंग थोड़ा आपका दिखा दीजिए तवा चिकन का, और साथ में हमारे लिए भी एक कुलचा और तवा चिकन का प्लेट भी लगा दीजिए। डन सर। सो ये अभी प्लेट लग रहा है, साथ में और क्या क्या दे रहे हैं? साथ में हम इसके साथ प्याज लेमन देते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं, हमारे स्पून जो है वो वुड के हैं जी, और प्लेट जो हमारी वो बायो प्लेट है। तो गाइस हाइजीनिक लेवल भी बहुत अच्छा से मेंटेन किया जा रहा है, तो देख सकते हैं सरदार जी का हाथ पर भी ग्लोव है, और इधर भी आप ग्लोव देख सकते हैं, और ये देखिए लेमन और ओनियंस वगैरह है। तो हमारा प्लेट अभी लग रहा है, तो पास चलते हैं और देखते हैं कुलचा कैसे लग रहा है। और ये जो हमारे कुलचे हैं ये पूरे दिल्ली स्टाइल के कुलचे हैं जी, ये हम खुद अपने यहाँ पर अपनी रेसिपी देके हम इसको बनवाते हैं जी, और जो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं कुलचे। तो आपका होममेड है? हाँ, होममेड बोल दीजिए, हम किसी थर्ड पार्टी को वेंडर को देते हैं जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन में बना के हमें देते हैं। तो दिल्ली साइड में तो कुलचा बहुत फेमस है, छोले कुलचे वही चीजें आप खा के बताएंगे आपको कैसा लगा। जी जी जी, ये हमारे कुलचे हमने चिकन की कीमे वाली ग्रेवी में आपको मिक्स कर दिए जी, ये हो गया आपका कुलचे का सेटअप। अगर आप बोलेंगे इसको कट कर दीजिए तो ये लीजिए, हम इसको बीच में से एज ए स्लाइसर कट भी कर दे रहे हैं आपके लिए जी। तो एक प्लेट में दो कुलचे? यस, एक प्लेट में दो कुलचे और चिकन आएगा जी। और ये हमने दी प्लेट। अब लोगों का सबसे ज्यादा मजा यहाँ पर आता है कि उनको चाहिए लेग पीस जी, और सरदार जी हैं जितनी लेग होती है हम कस्टमर्स के लाते हैं, ये आपके लिए एक आ गई लेग, ये इसमें आ गया एक किलो के पीस, और ये एक पीस और आ गया, और यहाँ पर अभी ये आ गई आपके लिए ग्रेवी। ग्रेवी, ग्रेवी जितनी बार चाहिए आप ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है इसके अंदर में। सो गाइस हमारा प्लेट अभी लग चुका है ऑलमोस्ट, और ये हमारे हाथ में भी आ गया, तो चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं, फिर टेस्ट करके मैं बताऊंगा इसका टेस्ट कैसा है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए।
सो गाइस प्लेट तो अभी हमारा लग चुका है, तो देख सकते हैं सरदार जी ने हमको लेग पीस भी दिया है, तो आपको भी मिलेगा, कोई टेंशन का बात नहीं। और ये रहा चिकन का पीसेस और बहुत सारा ग्रेवी, तो ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रेवी का थिकनेस देख सकते हैं, थिक ग्रेवी है। और साथ में है प्याज और एक लेमन और ये दो कुलचे, तो उन्होंने कट भी कर दिया है जो कि खाने में बहुत ईजी रहेगा। तो चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो ये लेते हैं कुलचा और ये रहा चिकन की ग्रेवी थोड़ा सा, और फर्स्ट बाइट लेते हैं अभी। तो गाइस जो हाइप है वो सच में रियल हाइप है, क्योंकि जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि आपको देखने से पता चल रहा होगा टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है। तो चिकन को भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ और बताता हूँ चिकन का टेस्ट कैसा है। बहुत ही गर्म है, ये लेग पीस को भी मैं टेस्ट करूँगा। वाओ, मसालेदार, वेल कुक, बहुत ही टेस्टी। और जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाइप रियली सही है, जो हाइप है इनका नाम का। और तो गाइस जो कुलचे के साथ और ये चिकन का जो टेस्ट है, जो तवा चिकन जो बोल रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग है। आपको जरूर ये वाला तवा चिकन के साथ जो कुलचा है टेस्ट करना चाहिए। और भी बहुत सारे आइटम है इनके पास, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हाइप आइटम है वो है इनका कुलचा और तवा चिकन। सो गाइस ये जो कुलचा है, और देख सकते हैं अंदर से कुलचा है, बहुत ही फ्लफी है, बहुत अच्छा लग रहा है चिकन के साथ खाने में। सो गाइस और एक बार मैं आपको दिखा दूँ लेग पीस का साइज़, आप देखिए बहुत ही बड़ा साइज का लेग पीस है। और जैसे कि उन्होंने बताया, ये जो प्लेट है टोटल प्लेट का प्राइस है 150 रुपीज़, और इसके साथ आपको ग्रेवी भी रिफिलिंग मिल जाएगा जितना आपको चाहिए। और एक लाइट मैं बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा, आपको आके खुद से ट्राई करना चाहिए। सो गाइस चलिए अभी हमारा जो प्लेट है इसको ख़त्म करते हैं। सो गाइस अभी आप क्राउड देख सकते हैं और टाइम हो गया है लगभग 8 बज गया है, और ये क्राउड देखिए कितना बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है अभी। सो सदा जी बता दीजिए आपका टाइमिंग क्या क्या है, और वीकली कहाँ आप कहाँ पर बैठते हैं? वीकली एक्चुअली वी आर वर्किंग फॉर 3 डेज, हम 3 दिन ही वीकली काम कर रहे हैं। वेनसडे को हम आपको मिलेंगे बसंती फ्लाईओवर के पास, फ्राइडे को हम आपको मिलेंगे BSNL और बीजू पटनायक चौक के बीच में, और संडे को हम आपको मिलेंगे भंजो भवन। हमारा एक और दिन था सैटरडे NIT बैक पोस्ट, इसको हमने अभी ड्रॉप किया है बिकॉज 2 महीने के लिए वहाँ पर हॉलीडेज है, बट आने वाले टाइम में फ्यूचर में वो भी कंटिन्यू रहेगा, बट अभी हम 3 दिन 1 हफ्ते में कंटिन्यू कर रहे हैं। सो गाइस ये तो था तवा चिकन वाले सरदार जी का खाने का रिव्यू और टेस्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप अगर पहले से आके इनका कुलचा और तवा चिकन टेस्ट किए हैं तो मुझे बताइए आपको टेस्ट कैसा लगा। तो गाइस आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर ऐसे ही आते रहिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।